हेलो एवरीवन, मैं हूं सोहेल और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लैब। तो दोस्तों, साल के सबसे चर्चित सीरीज जो कि बॉर्डर क्रॉस का ट्रॉफी रहने वाला है। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया जो कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाने वाली है, जहां पर मल्टीपल टेस्ट मुकाबला खेलने वाली है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो दोस्तों, इसके लेकर बेहद ही चर्चा है, कब कहां और कैसे खेला जाएगा यह टेस्ट सीरीज, इसी के बारे में पूरे डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम क्रिकेट से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट लाते रहते हैं। तो दोस्तों, बात करें बॉर्डर क्रॉस का ट्रॉफी के बारे में, तो दोस्तों बता दीजिए, बॉर्डर क्रॉस का ट्रॉफी दो टीमों के बीच होता है। एक टीम जहां टीम इंडिया होती है, तो दूसरा टीम जो कि ऑस्ट्रेलिया होती है। और बॉर्डर क्रॉस का ट्रॉफी 2024 में भी होने वाला है। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाने वाली है, जहां पर 5 टेस्ट मुकाबला खेलने वाली है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और ऑस्ट्रेलिया टीम भी इसके लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। जी हां दोस्तों, बता दी, कमाल का यह टेस्ट सीरीज होता है। अभी तक देखें तो भारतीय टीम लास्ट जो दो दौरे पर गई थी ऑस्ट्रेलिया, वह दोनों टेस्ट जीत कर आई थी, जो कि एक तरह से सम्मान को ठेस पहुंचाई है ऑस्ट्रेलियाई टीम को, भारतीय टीम। ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई टीम के कई खिलाड़ी को बयान भी आ चुका है, उनका सिर्फ एक ही सपना है कि टीम इंडिया को बॉर्डर क्रॉस का ट्रॉफी में हराना। जी हां दोस्तों, और यह जो सीरीज होने वाला है, कमाल का होने वाला है। दोनों टीमों की तरफ से कई खिलाड़ी झगड़ते हुए भी नजर आएंगे और कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए भी नजर आएंगे। दोस्तों बात करें, जो यह स्टार्ट होगा बॉर्डर क्रॉस का ट्रॉफी 2024, बता दें कि जो कि नवंबर में स्टार्ट होगा और बता दें कि जनवरी तक चलने वाला है। जी दोस्तों, इसके बीच में 5 टेस्ट मुकाबला होगा। पहला टेस्ट मुकाबले का बात करें तो दोस्तों, खेला जाएगा 22 नवंबर से 26 नवंबर के बीच में। मुकाबला पर्थ में होने वाला है भारतीय समय अनुसार। यह मुकाबला जो कि सुबह 7:30 पर आएगा। अगर आपको यह मुकाबला देखना है तो आपको 7:30 पर अपने मोबाइल, अपने टीवी चैनल से जुड़ जाइए। इसके बाद जो दूसरा टेस्ट मुकाबला है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जो कि खेला जाएगा 6 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में। बता दें कि यह मुकाबला जो कि होने वाला है एडिलेड में। जी हां दोस्तों, और भारतीय समय अनुसार यह मुकाबला जो कि 8:30 पर सुबह आएगा। और बता दें कि यह टेस्ट मुकाबला डे नाइट टेस्ट मुकाबला है, यानी कि पिंक गेंद से खेला जाएगा यह दूसरा टेस्ट मुकाबला इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का जो कि मुकाबला होगा। इसके बाद जो तीसरा मुकाबला होगा, यह मुकाबला जो कि होगा 14 से 18 दिसंबर के बीच में। बता दें कि गाबा में होने वाला है मुकाबला। भारतीय समय अनुसार यह मुकाबला सुबह 5:30 पर ही शुरू हो जाएगा। तो वहीं जो चौथा मुकाबला है, जो कि बॉक्सिंग डे टेस्ट मुकाबला कहते हैं, जो कि खेला जाएगा MCG यानी कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। बता दें कि यह 26 दिसंबर से शुरू होगा, 30 दिसंबर तक चलेगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार जो कि सुबह 4:30 पर ही शुरू हो। आखिरी टेस्ट मुकाबला है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच, जो कि खेला जाएगा 3 से 7 जनवरी के बीच में। यह सिडनी में मुकाबला होगा भारतीय समय अनुसार। यह मुकाबला जो कि 4:30 पर ही शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, यह 5 टेस्ट मुकाबलों का शेड्यूल है, जो कि कंफर्म शेड्यूल है। ऐसे में यह सीरीज में जो सबसे ज्यादा नजर आएगा रोहित शर्मा पर रहेगा। यशस्वी जायसवाल को लेकर चर्चा बेहद ज्यादा हो रहा है। नाथन लियन का कैसा परफॉर्मेंस रहता है, ऋषभ पंत कैसा परफॉर्मेंस करते हैं, पिछली बार ऋषभ पंत हीरो थे गावा का, इस बार क्या करेंगे, सभी का नजर रहेगा। तो दोस्तों, अब बात करें यह मुकाबला भारत में कहां पर लाइव स्ट्रीमिंग होगा, तो डीडी स्पोर्ट्स पर बिल्कुल आप देख सकते हैं। इसके अलावा बता दें कि स्टार स्पोर्ट्स पर आने वाला है, डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर आने वाला है। तो इसके अलावा अगर आप बिल्कुल फ्री में देखना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर हम आपको ऐप देंगे, उस ऐप के थ्रू बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह खबर जुड़ा होता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट सीरीज को लेकर। आपका क्या राय इसके लेकर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक लिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।